हम सब ने देखा कि मुंडका के अंदर परसों आग लगी और उस भीषण अग्निकांड में 27 जाने गई, कुछ लोग घायल हो गए। बहुत दुख का विषय है, लेकिन दिल्ली की जनता को ये जानने का हक है कि एग्जैक्टली हुआ क्या। मैं बड़े सिलसिलेवार तरीके से सारी जानकारी आपके बीच में रख रहा हूँ। साथियों, ये जो पूरी बिल्डिंग थी, ये लाल डोरा एक्सटेंशन लैंड थी और यहाँ पे इंडस्ट्रियल एक्टिविटी नहीं हो सकती। 2016 में इस बिल्डिंग ने फैक्ट्री लाइसेंस अप्लाई किया एमसीडी को। जो भी नियमों को ताक पर रखकर एमसीडी ने इसको 2016 में फैक्ट्री लाइसेंस दिया, मुझे लगता है कि उसके 8-10 महीने बाद ही उनको रियलाइज़ हुआ। कई लोगों ने कंप्लेन किया तो उनको समझ में आ गया कि ये लाइसेंस गलत है, तो उन्होंने 2017 में इस लाइसेंस को रिवोक कर लिया। लाइसेंस रिवोक होने के बाद भी इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ रुकी नहीं, चलती रही। 2019 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई मॉनिटरिंग कमेटी ने इस बिल्डिंग को सील कर दिया और आज भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आज भी ये बिल्डिंग सील है। एमसीडी के कागज़ों में ये बिल्डिंग सील है, लेकिन उसमें एक छोटा सा रास्ता बनाकर, एक छोटा सा दरवाज़ा तोड़कर अंदर इंडस्ट्रियल कार्रवाई की जा रही थी, अंदर सारे के सारे काम किए जा रहे थे। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये उठता है कि सारे नियमों को ताक पर रखकर एमसीडी को इसकी पूरी जानकारी थी कि ये बिल्डिंग सील है, यहाँ पे अनऑथराइज तरीके से इंडस्ट्री चल रही है। उसके बाद भी ये पूरी की पूरी कार्रवाई चल रही थी, क्यों? इस बिल्डिंग के ओनर हैं मनीष लाकड़ा जी। कौन है मनीष लाकड़ा? ऐसी क्या पावर है उनके अंदर कि मॉनिटरिंग कमेटी के सील करने के बाद भी फैक्ट्री चल रही है? एमसीडी ने फैक्ट्री लाइसेंस कैंसिल कर दिया है, फिर भी फैक्ट्री चल रही है, क्या कारण है ऐसा? कौन है मनीष लाकड़ा जी? मैं अपनी साथियों से कहूंगा कि दो फोटोग्राफ्स हैं, वो फोटोग्राफ्स दिखाएं। साथियों, ये जो आप फोटो देख रहे हैं जिसके ऊपर एक क्रॉस चिन्ह लगा हुआ है, ये मनीष लाकड़ा जी हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी के पटके में हैं, भारतीय जनता पार्टी के कैंपेन में हैं। इस फोटोग्राफ्स में आपको वहाँ के भारतीय जनता पार्टी के सारे प्रबुद्ध, सारे मजबूत नेता इस फोटो में दिख रहे हैं। अगली फोटो दिखाइए। ये अगली फोटो में जो ड्राइविंग सीट पर हैं वो मनीष लाकड़ा जी हैं और जो बगल में पैसेंजर सीट पे बैठे हुए हैं ये मास्टर आजाद सिंह जी हैं। मास्टर आजाद सिंह जी कौन है? मैं बहुत इंट्रोडक्शन उनका बता दूं। कई बार पार्षद रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, मेयर रहे हैं। पिछले 3 चुनाव भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर मुंडका से लड़ते हैं। और थोड़ी सी जानकारी और बता दें आपको कि वो भारतीय जनता पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्री प्रवेश साहब सिंह वर्मा जी के सगे चाचा हैं। सिटिंग पैसेंजर सीट पे जो बैठे हैं, मैं फिर से रिपीट कर दूं, ये आजाद सिंह जी हैं। जो गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर है वो मनीष लाकड़ा जी हैं, जिनकी बिल्डिंग है, जिनकी बिल्डिंग में अनऑथराइज तरीके से सारी फैक्ट्री चल रही थी, इंडस्ट्रियल काम चल रहे थे, वो मनीष लाकड़ा जी हैं जो ड्राइविंग सीट पे बैठे हुए हैं। दूध का दूध और पानी का पानी आपके सामने है। दिल्ली वालों, भारतीय जनता पार्टी की एमसीडी ने दिल्ली को तबाह कर दिया है। दिल्ली, इनके लोगों ने
अपने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने ये सारी की सारी इलीगल एक्टिविटीज़ दिल्ली के अंदर कर रखी, और सिर्फ एक ही मकसद है, भ्रष्टाचार। मनीष लाकड़ा जी वहाँ पे इंडस्ट्रियल यूनिट, और एक चीज़ और बता दूँ, इस बिल्डिंग में 2015 में जब दिल्ली के चुनाव हो रहे थे तो भारतीय जनता पार्टी का कैंपेन ऑफिस इसी बिल्डिंग से चल रहा था। 15 का जब चुनाव हो रहा था, विधानसभा चुनाव, तो इस बिल्डिंग से भारतीय जनता पार्टी का कैंपेन ऑफिस चल रहा था, मुंडका के विधानसभा का कैंपेन ऑफिस इसी बिल्डिंग से चल रहा था। तो ये बिल्डिंग भारतीय जनता पार्टी के लोगों की है, सारी गलत एक्टिविटीज़ जो वहाँ चल रही थी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की रहनुमाई के कारण चल रही थी, जो भी चीज़ चल रही थी एक एक भारतीय जनता पार्टी के नेता को पता था। जो ये 27 मासूम मरे हैं, इनकी मौत के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी के नेता है, भारतीय जनता पार्टी का भ्रष्टाचार है, भारतीय जनता पार्टी का लालच है, जो आज हमारे दिल्ली के 27 बच्चे बच्चियां जल के उनकी मौत हो गई। मैं एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि इसकी जांच हो, इसकी पूरी तरह से कार्रवाई हो, और जिन लोगों ने इनको बचाने की कोशिश की है उनके खिलाफ़ भी सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मनीष लाकड़ा की हिम्मत नहीं है कि उस बिल्डिंग में इतनी बड़ी कार्रवाई कर दें और बिना भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के सपोर्ट में। इतनी बड़ी इलीगल कार्रवाई हो रही थी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेता उनकी सपोर्ट कर रहे थे, उनके साथ में खड़े थे, और उनके साथ मिलकर इस पूरी एक्टिविटी में संलग्न थे, इस पूरी एक्टिविटी में लगे हुए थे। इन सब के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, इन सब के खिलाफ जेल में डालना चाहिए इनके खिलाफ, इनके खिलाफ मौत का मुकदमा दायर करके इनके सब के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। धन्यवाद। कोई प्रश्न? मैं 2-3 दिन से कल से सुन रहा हूँ बेसिकली कि फायर की NOC नहीं दी, फायर डिपार्टमेंट इसके लिए ज़िम्मेदार है। मैं अपने मीडिया के बंधुओं को भी बताना चाहता हूँ, जो दिल्ली के साथी सुन रहे होंगे उनको भी बताना चाहता हूँ, जब कोई एक बिल्डिंग सील है, सीलिंग का मतलब हो गया बिल्डिंग इलीगल है, वो बिल्डिंग कागजों में सील है, तो उसको कोई डिपार्टमेंट NOC कैसे दे सकता है? फायर की NOC मिल कैसे सकती है? उसको मिल ही नहीं सकती। आप मुझे एक कागज दिखा दो जहां पे उस बिल्डिंग के फायर की NOC अप्लाई की गई हो। जब वो बिल्डिंग सील है, बिल्डिंग इलीगल है, तो उसकी फायर की NOC कौन डिपार्टमेंट देगा? कोई नहीं दे सकता। तो ये भारतीय जनता पार्टी एक सगुफा छोड़ रही कि जी फायर की NOC, फायर की NOC, क्या बताऊं मैं, शर्म आनी चाहिए। जब बिल्डिंग सील है तो फायर की NOC कैसे मिलेगी? तुम्हें इसका जवाब देना चाहिए कि 2016 में जब तुमने फैक्ट्री लाइसेंस कैसे दी, तुमने 17 में रिवोक कैसे कर ली, उसके बाद इंडस्ट्रियल एक्टिविटी कैसे चल रही है, मॉनिटरिंग कमेटी ने सील कर दी बिल्डिंग को, उसके बाद इंडस्ट्रियल एक्टिविटी कैसे चल रही है? जवाब तो आदेश गुप्ता को इसका देना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी को इसका जवाब देना चाहिए कि जब बिल्डिंग सील है तो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज कैसे चल रही है? किस नेता ने पैसे खाए तुम्हारे? तुम्हारा पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी का आदमी था, इसलिए ये सारी की सारी चीजें हो रही थी, इसलिए MCD का हाथ था उसके ऊपर। जवाब तो इसका दो भाई, उनको भी आप कार्रवाई करिए, उनके खिलाफ भी सारी चीज करिए, लेकिन जो बिल्डिंग के मालिक हैं उनके बारे में मैंने आपको सारी बात बता दी। मैं तो आपके सामने फैक्ट रख दिया, कंक्लूजन आप निकालिए। मेरी गाड़ी अगर कोई चलाएगा, मैं किसी के घर में अपना कैंपेन ऑफिस बनाऊंगा, जानकारी आपके सामने है, पब्लिक डोमेन में मैंने सारे फैक्ट रख दिए, कंक्लूजन आप निकालिए। मुझे, मैं बहुत क्लियर हूँ अपने आरोप में, मैं कह रहा हूँ कि वो भारतीय जनता पार्टी का आदमी है, इसलिए उसके साथ पूरी पूरी MCD ने उसको संरक्षण दिया था, इसलिए सारी की सारी इलीगल कार्रवाई हो रही थी। जो 27 लोग मरे उनकी जान के लिए अगर कोई एक व्यक्ति जिम्मेदार है
तो भारतीय जनता पार्टी है, कोई एक इंस्टीट्यूशन जिम्मेदार है तो भारतीय जनता पार्टी है। मैंने बहुत क्लियर तरीके से बता दिया कि फायर की एनओसी तब मिलती है जब बिल्डिंग सील ना हो। जब बिल्डिंग ही सील है तो फायर की एनओसी क्यों नहीं, कैसे मिल सकती है? आदेश गुप्ता को सब पता है, आदेश गुप्ता को ये सारी फोटोग्राफ भी पता है, आदेश गुप्ता को ये भी पता है कि ये कैंपेन ऑफिस उनका था, आदेश गुप्ता को ये भी पता है कि मनीष लाकड़ा कौन था, आदेश गुप्ता को सारी जानकारी है। हम पार्टी की तरफ से भी कंप्लेन वकीलों से एक बार बातचीत करेंगे, साथ ही साथ दिल्ली सरकार ने इसके ऊपर मजिस्ट्रियल इंक्वायरी भी ऑर्डर की है, हम उसका भी वेट कर रहे हैं। उस इंक्वायरी में अगर हमारी तरफ से कोई सबूत देने होंगे तो हम उन सबूत को भी देंगे।